ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 14 अप्रैल 2022 को दिन गुरुवार रहेगा। सुबह 8:33 पर सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 15 मई 2022 तक यानी एक महीने तक सूर्यदेव मेष राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, तो यहां पर उच्चस्थ स्थितियों में सूर्यदेव रहने वाले हैं और सूर्य बुध से बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए किस मायने के लिए बेहतर है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले इस राशि परिवर्तन का क्या महत्व रहेगा, आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का विशेष और गहरा महत्व है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह मानते हैं। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी सभी विषयों पर सूर्य प्रभावी होते हैं। सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर बली हो तो कई ग्रहों के कमजोर होने के बावजूद भी जातक को वो सभी सफलता मिल जाती है जिसकी जातक को आवश्यकता होती है। सूर्य यदि जन्म कुंडली पर बली होते हैं तो हर क्षेत्र में पदोन्नति, सफलता, सम्मान की प्राप्ति और जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है। बलि सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के वाणी और व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण देता है जो चारों ओर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह सूर्य का जन्म कुंडली पर नकारात्मक और पीड़ित प्रभाव कई प्रकार की हानियां शारीरिक और मानसिक रूप से देता है। जन्म कुंडली पर सूर्य यदि कमजोर हो तो पिता के साथ संबंध खराब रहते हैं। पित्त से जुड़ी हुई समस्या, हड्डी और घुटने में समस्या, हार्ट अटैक का रोग, आंखों से जुड़ा हुआ रोग, पीलिया और भूख नहीं लगने की समस्या शारीरिक रूप से दिखाई देती है। वहीं सरकारी क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी या तो सफलता कम मिलती है या ना के बराबर मिलती है। तो यह तो हमने सूर्य से जुड़ी हुई कुछ आपको जानकारी दी है। अब मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के अधिपति होते हैं और जिनका गोचर आपके राशि के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। राशि के चतुर्थ भाव से मुख्यतः माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी के बारे में विचार करते हैं, भूमि के बारे में विचार करते हैं। तो चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्यदेव मौजूद होकर सबसे पहले इस समय अंतराल के दौरान सप्तम दृष्टि से आपके राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अंतराल में मकर राशि वाले जातकों के करियर के मामले में कई प्रकार की संभावना देखने के लिए मिलेगी। मकर राशि के सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे जातकों के लिए, ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए यह समय बेहतर है। उसके साथ साथ दशम भाव पर जा रहे सूर्यदेव की दृष्टियां मकर राशि वाले जातकों के करियर के मामले में श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावना दे रही है। इसमें व्यापार कर रहे जातकों के लिए व्यापारिक तत्परता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यदि आप लगातार मेहनत के साथ सही डायरेक्शन में सही दिशा निर्देश के साथ निरंतरता बनाकर करियर के मामले में कार्य करेंगे तो कम मेहनत करने के बावजूद भी आप जीवन में ज्यादा परिणाम अर्जित कर सकते हैं। मकर राशि के ऐसे जातक जो इस समय अंतराल में आंखों के डॉक्टर हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हैं, उच्च प्रशासनिक किसी भी सरकारी पद पर मौजूद हैं, या तो मकर राशि के जातक जो किसानी करते हैं, खेत से जुड़ा हुआ आपका कार्य है,
जंगल से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, तो यहां पर आपके लिए विशेष सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। धन आगमन की भी प्रबल संभावना यहां पर आपके लिए बनेगी, परंतु मकर राशि वाले जातकों को धन का सोच विचार कर निवेश करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। धन यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में खर्च करते हैं तो आपके लिए समय खराब रह सकता है। इस समय अंतराल के दौरान माता की सेहत को लेकर आपको सावधानी बनाने की भी प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ मकर राशि के ऐसे जातक जो इस समय अंतराल के दौरान किसी प्रकार से भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं तो भी आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर कहा जाए तो सूर्य का काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यदि आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सूर्य देव की शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए प्रतिदिन यदि कोई भी जातक सूर्योदय के पूर्व यदि सोकर उठता है और सूर्य नमस्कार करता है तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से व्यक्ति की उन्नति होती है और जन्म कुंडली पर सूर्य की प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा प्रभावी होती है। सूर्य पीड़ित हो तो गेहूं, गुड़, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे का दान करना सूर्योदय के समय रविवार के दिन ब्राह्मण वर्ग को काफी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उसके साथ साथ सूर्य की शुभता को अर्जित करने के लिए, सूर्य के पीड़ित प्रभाव को दूर करने के लिए नित्य प्रति यदि विद्यार्थी वर्ग या जिन जातकों के जन्म कुंडली पर सूर्य पीड़ित हैं वे जातक यदि सूर्य को नित्य प्रति जल अर्घ देते हैं और ओम घृणे सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो जन्म कुंडली पर सूर्य काफी ज्यादा मजबूत बनते हैं। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मकर राशि के जातक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।